संस्कार भारती साहित्य रंगमंच द्वारा राष्ट्रीय वैचारिक संगोष्ठी एवं लोक कला साधक सम्मान समारोह का आयोजन भिलाई के ऑफिसर्स भवन में किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल व जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया शामिल रहे। भिलाई में लोक कला साधक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहाँ छत्तीसगढ़ के 28 जिलों के लोक कलाकारों एवं अन्य प्रदेश के लोक कलाकारों का सम्मान किया गया, जिसमें लगभग 100 से अधिक लोक कलाकारों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल शामिल रहे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि जिस तरीके से अभी लोक कलाकारों को मंच प्रदान किया जा रहा है, उसे और बढ़ावा दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से लोग विभिन्न माध्यमों से जुड़े हुए हैं, वैसे ही एक समय में लोक कलाकार मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, जो धीरे धीरे कम होता गया और अब उन्हें बड़ी संख्या में सुधार किए जाने की ज़रूरत है। इसके लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके। इस सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से लोक कलाकार पहुंचे हुए हैं, जिनका सम्मान किया गया। ये कार्यक्रम बड़ा गरिमामयी कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप जैसे देख रहे हैं 4-5 प्रदेशों के कलाकार भी आए हैं और ये संस्कार भारती छत्तीसगढ़ प्रांत जिसके नेतृत्वकर्ता भाई पुरुषोत्तम चंद्राकर जी हैं, रायपुर निवासी हैं, वो खुद एक कलाकार हैं मजे हुए, जिनकी प्रस्तुति दिल्ली के मंचों पर हो चुकी है और यहाँ के जो हमारे ऋषि छत्री जी हैं, यहाँ के प्रमुख और इसके संयोजक के रूप में पद्मश्री RS बारले जी हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब कार्यक्रम इनके मिले जुले नेतृत्व में हो रहा है। और आप देख रहे हैं ऐसे ऐसे क्षेत्र के लोग आए हैं, बस्तर से, कांकेर से, सरगुजा से, दूरस्थ अंचलों से कलाकार यहाँ आए हैं। संस्कार भारती के कार्यक्रमों को इन्होंने देखा है, जाना है, परखा है और उसी विश्वास के आधार पर आज भिलाई नगरी में लोग पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरे प्रदेश, महाराष्ट्र के, उड़ीसा के, झारखंड के, मध्य प्रदेश के, यहाँ के भी कलाकार आए हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार जो छत्तीसगढ़ में है, राज्य सरकार, वो कलाकारों की दुर्गति कर दी है। मैं स्वयं वहाँ पे संज्ञान लिया था कि साल जो बीते हुए 2-3 साल में कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन संस्कृति विभाग के स्वीकृति के माध्यम से जो किए हैं, उसकी राशि भी उनको आज तक नहीं मिली है। मतलब देख रहा था कि 8 करोड़ उधारी में आज संस्कृति विभाग उन कलाकारों के है। तो इस तरह ये एक तो छत्तीसगढ़ कर्ज में डूब रहा है, उसके बाद कलाकार को कर्ज के कर्ज में लोग डूबे हुए हैं, किसानों को किस्त वाइज जो ये बोनस देते हैं उसके कर्ज में डूबे हुए हैं। मतलब ये सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। खेल विभाग भी चरमरा गई है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान हमारे शासनकाल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हर साल होता था और उन उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सम्मान पूर्वक राशि भी दी जाती थी और उनको नौकरी पक्की होती थी, नौकरी मिलती थी, लेकिन 3 साल से वो कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ी तरस रहे हैं, मंच ढूंढ रहे हैं, सरकार के प्रति भावनात्मक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन ये जो संवेदनहीन सरकार है ना, वो बैठे हैं। मुख्यमंत्री खाली छत्तीसगढ़ ओलंपिक के, क्या छत्तीसगढ़ ओलंपिक, जिसमें सिर्फ एक सड़ा सा एक प्रमाण पत्र दे के भेज रहे हैं, कोई ना इनाम है ना कुछ नहीं है। 60 साल के ऊपर वालों को खिला रहे हैं, 50 साल से ऊपर को भी खिला रहे हैं, महिलाएं बेचारी खेल रही हैं, 2-3 की मृत्यु भी हो गई उसमें, और पूरी तरह वहां व्यवस्था अव्यवस्थित थी। कलेक्टर को बोल दिया गया था, कांग्रेसी छत्तीसगढ़ के 28 जिला के कलाकार और छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है और अपने इधर गोवा है, मणिपुर है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, सूरत और उत्तर प्रदेश से लगभग 16 जिला के कलाकार इस संस्कार भारती के आयोजन में इस राष्ट्रीय स्तरीय वैचारिक संगोष्ठी एवं लोक कला साधक सम्मान समारोह में उपस्थित हुए, जिनमें से लगभग 235 लोगों को कलाकारों का सम्मान करना था। उनमें का 50% मैंने आधा कलाकारों का सम्मान उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सम्माननीय सांसद विजय बघेल के कार्यक्रमों के द्वारा किया गया। बाकी कलाकार जो बचे हैं उनको भी शाम के सत्र के कलाकारों में सत्र में सम्मानित किया जाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए प्रवीण मिर्जे की रिपोर्ट।